वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आज आ रहे हैं वादी नंबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन रियाद। गूगल मैप्स पर वादी नंबर टाइप करने से एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। इस प्लेस के बारे में मैं आपके साथ ढेर सारे इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हियर वी रीच द प्लेस। ये आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन और क्लीन ओपन एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। बेसिकली वादी नमर में टू स्पॉट्स हैं, एक है माउंटेन वाला एरिया जो कि आप देख सकते हैं पत्थरों का पहाड़ जहां पर हम एट प्रेजेंट हैं, ये पूरा जो है ऊपर वाला हिस्सा है, और दूसरा स्पॉट है लेक साइड एरिया यानी कि तालाब के किनारे वाला पार्ट। कुछ ही देर में हम वहां पर भी जाएंगे। थोड़ा सा केयरफुली चलना होता है क्योंकि सारा अनइवन पत्थर है। सो स्टोन बाउंड्री के उस पार हमें देखने को मिलता है ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल। पहाड़ों के ऊपर आने पर ही हम इतना प्यारा व्यू देख सकते हैं क्योंकि सारा लोकेशन हमें इजीली देखने को मिल जाता है। ये रॉकी माउंटेन, पूरा पत्थरों का पहाड़, साथ ही में ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल और ये डैम। इस हॉट समर में सऊदी अरब के रेगिस्तान में रियाद सिटी की गर्मी में अगर इस लोकेशन पर आया जाए तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। यहाँ ऊपर खड़े होकर देखने से हमें पूरा वादी नंबर अच्छे से देखने को मिलता है। ढेर सारा पानी है यहाँ पर। ये नीचे लेक साइड एरिया है यानी कि तालाब के किनारे वाला पार्ट, जल्द ही हम वहां पर भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लेक के उस तरफ भी पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं काफी सारे घर। तो ये है वादी नमर के पहाड़ के ऊपर वाला एरिया। समर सीजन है, सनसेट अभी हुआ नहीं है, इसीलिए गर्मी है इन पहाड़ों के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बड़े पेड़ या ग्रीनरी नहीं है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा होती है। लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे कि रात में भी यहाँ पर आया जा सकता है और देर रात तक यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए सनसेट के पहले का ये व्यू। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वीकेंड्स में टाइम स्पेंड करते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टोन से राउंड शेप में ऐसे स्पेस बनाया हुआ है। इस स्पेस में सिर्फ आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप आए हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आपका एरिया होगा। यहाँ पर पकाने के लिए या बारबेक्यू करने के लिए भी ऐसे प्लेस बना हुआ है। वैसे सऊदी अरब में एट प्रेजेंट बारबेक्यू करना पब्लिक प्लेसेस में बैन है। अर्ली मॉर्निंग्स या इवनिंग्स बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर आने के लिए। तो आपने देखा पहाड़ों के ऊपर का पूरा व्यू, यहाँ से वाटरफॉल और डाउन साइड कैसा दिखता है, और अब हम जा रहे हैं नीचे लेक साइड। बाय वॉक हम नहीं जा सकते हैं नीचे क्योंकि ये थोड़ी दूर पर है, सो हमें गाड़ी से जाना होगा और तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है हमें लेक साइड पहुंचने में। वीकेंड्स पर यानी कि फ्राइडेज और सैटरडेज को लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। हम भी वीक ऑफ पर ही आए हुए हैं और आप देख सकते हैं सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं क्यू में, और हम पहुँच गए हैं डाउन साइड ऑफ वादी नमर। ढेर सारे पाम ट्रीज लगे हुए हैं यहाँ पर। लोग यहाँ पर वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए आते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत सारे फन एक्टिविटीज कर सकते हैं और यहाँ रोड के दोनों तरफ कार को पार्क किया जा सकता है।
ज़रूरत की चीज़ें भी यहाँ पर ख़रीदने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि बच्चों के खिलौने, कारपेट्स जिन्हें बिछाकर हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं, फोल्डेबल चेयर्स, उनके कार्स, बाइक्स, और यहाँ पर फूड कार्ट्स भी मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया और सुंदर व्यू हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर लेक है, साइड में खजूर के पेड़ लगाए हुए हैं, वॉकवेज है, और दोनों ही साइड पहाड़ है, और उसके बीच में है ये डैम। पानी में हमें बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस देखने को मिल जाते हैं। बच्चे स्पेशली इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पहाड़ों के बीच में ऐसे लाइट्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। रात के टाइम पे ये लाइट्स ऑन करने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। लेक साइड में ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जिन पर बैठ सकते हैं, पानी, वाटरफॉल और माउंटेन के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। लेक में पानी ज़्यादा है और गहरा भी है। अगर हमारे साथ बच्चे आए हुए हैं तो हमें केयरफुल रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, जब भी वो किनारे की तरफ जाएं तो हमेशा उनके साथ रहें। सिर्फ फिशेस ही नहीं, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं डक्स। फिशिंग करना यहाँ पर अलाउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर बस यूं ही थोड़े बहुत मछलियाँ पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिशिंग के बदले हम डक्स और फिशेस को फीड कर सकते हैं। ये सामने वही माउंटेन है जिसके टॉप पर खड़े होकर हम यहाँ पर डाउनसाइड देख रहे थे, और दूर पर वही वाटरफॉल है। बिल्कुल सीनरी सा व्यू है यहाँ पर। यहाँ पानी है जिसके ऊपर पहाड़ों के अंदर लगे हुए लाइट्स की रोशनी पड़ रही है, उसके ऊपर आसमान है, और अब चांद भी आ चुका है। बच्चे यहाँ पर कार्स, बाइक्स चला सकते हैं, प्ले स्टेशन है यहाँ पर, खेल सकते हैं, इसके चार्जेस पे करने होते हैं। सो, ये था ऑल अबाउट वादी नमर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।